तो हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। देखिए हम हैं और सिर्फ ट्रकें चल रही है और इसका हो गया था हमारे बोर्डिंग पास में गेट नंबर 5 लिखा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरुषा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड हेलो हेलो कर दो। ये फ्रेंड तो फाइनली आज हमारा ट्रेवल का डेट है और आज हम निकल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं हमने लास्ट ब्लॉग में बताया नहीं, तो हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। और हम कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट कवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गुवाहाटी जा रहे हैं और मेघालय जा रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के लिए। अभी मॉर्निंग के 4 बजे हुए हैं और हम काफ़ी हड़बड़ी में अभी हैं और फाइनली रेडी हो गए हैं। इधर देखिए आरुषा भी रेडी है और जस्ट हम निकलने वाले हैं, हमारा सारा हो गया है। ये है वर्षा, वर्षा को फिर पता नहीं क्या बच गया तो वो फिर देख रही है। तो चलो जल्दी। ये फ्रेंड्स, तो अभी हम निकल गए घर से और नागपुर की ओर जा रहे हैं। अभी आधे दूर में पहुंचे हुए हैं, कुछ देर में हम नागपुर पहुंच जाएंगे। और हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि लेट ना हो, क्योंकि वहां भी चेक इन करना पड़ेगा और हमें कार भी अभी छोड़ना है वहां से। फिर हम क्या बोलते हैं ओला उबर जो भी है करके फिर वहाँ जाएंगे एयरपोर्ट तक। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारे आरुषा का डेडिकेशन, मतलब उसको ये चीज़ है कि मतलब ना कहीं जाना रहता है, कुछ करना रहता है तो बेचारी 3 बजे से आज उठी हुई है। 3 भी नहीं बजा था तब से उठी हुई और अभी भी इतनी साइलेंट बैठी नहीं, तो इस एज के बच्चे इतना परेशान करते हैं। और दूसरी चीज़ वो नहा धो के ब्रश करके सब रेडी हो गई है, मतलब तुरंत उठी, उसकी अच्छी हैबिट है उठ के तुरंत ब्रश करती है और उसके बाद तुरंत नहा लिया इसने और अभी भी इतनी फ्रेश है। तो इसलिए हम बाहर घूम पाते हैं क्योंकि ये हमको सपोर्ट करती है। अगर बच्चे चिड़चिड़ाते या ऐसे परेशान करते तो हम बिल्कुल नहीं घूम पाते हैं। तो मेरी लाडो का यही चीज़ इतना अच्छा है ना लाडो। और फ्रेंड्स ये रोड में देखिए हम हैं और सिर्फ ये ट्रकें चल रही है और कोई नहीं दिख रहा, अभी एक भी हमको कार नहीं दिखी है। ट्रकों के अलावा ट्रक्स दिख रहे हैं और हमारी कार दिख रही है और बस ब्लैक ब्लैक रोड दिख रहे हैं। हेलो फ्रेंड, तो अभी हम एयरपोर्ट आ गए हैं और ये देखिए आरुषा सो गई थी, वो भी उठ गई है। और ये हमने अपना सामान स्कैन कर दिया, इसमें से 2 बैग हमें चेक इन पे डालने हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हमने चेक इन कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। चलो कहाँ जा रहे हो? और अभी हम आ गए हैं अपने गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास, और वहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी किस में जाएंगे बताओ आप? एरोप्लेन में। एरोप्लेन से जाएंगे? और कौन चलाएगा एरोप्लेन को? अंकल। अंकल चलाएंगे? नहीं, आप बोल रहे थे ना और उसे चलाएगी करके। अब गुक्कू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एरोप्लेन से तो जा रहे हैं फ्रेंड। और हमारी गुवाहाटी की जो फ्लाइट है वो वाया कलकत्ता होके है, क्योंकि नागपुर से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो अभी 7 AM मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट है गुवाहाटी कलकत्ता के लिए। और फिर कलकत्ता में अराउंड 1.5 आवर का हॉल्ट है और उसके बाद फिर कलकत्ता से गुवाहाटी की फ़्लाइट है 10:15 में। फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी थोड़ी टाइम है तो हम अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह से काफ़ी जल्दी उठ गए थे और हमने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया था। तो हम सोचे क्यों ना हम अपना ब्रेकफास्ट ले लें, अभी टाइम है। तो और आरुषा यहाँ पे अपना चिक्की इंजॉय कर रही है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए क्या खा रहे हो लड्डू, क्या खा रहे हो दिखाओ मम्मा को। वो यहाँ पे हम लोगों ने सेक बना रहे हैं, वो चिक्की खा रही है। ये अगर हम हेल्दी न्यूट्रिशंस ले रहे हैं तो बच्चे भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। और हमने इसे खाने की कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं रखी है, सिर्फ यही रखी चिक्की और चना, रोस्टेड चना जो होता है वो। फ्रेंड्स, और अभी हमारा पचका हो गया था, हमारे बोर्डिंग पास में गेट नंबर 5 लिखा था, तो हम फर्स्ट फ्लोर में गेट नंबर 5 के पास बैठे थे और बोर्डिंग यहाँ गेट नंबर 1 से स्टार्ट हो गई। तो मैं जब गया तो अचानक से देखा, उसके बाद हम जल्दी जल्दी आए और अभी हम बस में हैं, एरोप्लेन के पास जा रहे हैं। आके बैठ गई।
और ना यो तू बस है कहाँ पे हो आरु पे कहाँ पे दिख रहा है कितना है 4-5 है मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे बैठोगे हाँ हाँ मम्मा बैठी यहाँ पे बैठोगे हाँ मम्मा यहाँ पे बैठ जाएगी हाँ हाँ क्या आलस कितनी एंजॉय कर देखिए खड़े होके कैसे झांक रही हो उसमें बैठेंगे हाँ उसमें बैठेंगे कलकत्ता लैंड कर चुके हैं और अभी बस से हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर और ये देखो वर्षा एरोप्लेन दिखा रही वहाँ उड़ रहा था वो तो चलिए हमारा एक घंटे का हॉल्ट है हम थोड़ी देर हॉल्ट करते हैं और उसके बाद हम दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे वो देखो बुकू कौन सी फ्लाइट कौन सा एरोप्लेन है वो 510 रेड और यहाँ पे आरुषा देखो कैसे अकेले अकेले घूम रही है कलकत्ता एयरपोर्ट में अकेले ही कहीं भी चले जा रही है इधर उधर घूम जाएगी हमें भरोसा भी नहीं फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे आरुषा जा रही है अभी हम अपनी दूसरी फ्लाइट लेने के लिए जा रहे हैं ये फ्लाइट हमारी कोलकाता से डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए है तो फाइनली हम गुवाहाटी वाली फ्लाइट में बैठ गए हैं और बहुत ही जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं और आरुषा देखो यहाँ भी पढ़ाई करने लग गई है जो भी इनके सेफ्टी मैनुअल्स हैं एंड बुक्स है उसको पढ़ने निकाल के फ्रेंड्स और यहाँ पे आरुषा को देखो फ्लाइट में बैठ के चना खा रही है जो कि इसका पुराना काम है जब कश्मीर जा रही थी तब भी बैठ के ऐसे ही चने खा रही थी फ्लाइट में ओए आगे का प्लान आपको बताते हैं फ्रेंड्स तो हम फाइनली गुवाहाटी लैंड कर चुके हैं एयरपोर्ट और अभी हम अपना चेक इन सामान लेने जा रहे हैं और उसके बाद यहां से हम अपना जो होटल है वहां जाएंगे डेस्टिनेशन पे तो ये थी हमारी फ्लाइट जर्नी कि हम कैसे गुवाहाटी पहुंचे और इसके बाद जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स कवर करेंगे गुवाहाटी में इसके आगे मेघालय में वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते जाएगा तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो यहाँ के मिले और आप यहाँ के सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से जान सके तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा तो ठीक है बाय बाय